पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना के बाद गौतम गंभीर ने भी सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। गौतम गंभीर ने एक टीवी शो में पूर्व चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद और के श्रीकांत से कहा कि सिलेक्टर्स को ज़्यादा अनुभवी होना ज़रूरी है। उनके इस बयान का प्रसाद ने विरोध किया और दोनों में से लेकर काफ़ी तीखी नोकझोंक हो गई। प्रसाद ने अपने करियर में मात्र 17 वनडे और सिर्फ 6 टेस्ट ही खेले थे। गंभीर ने शो में कहा कि अब समय आ गया है कि कप्तान और कोच को सिलेक्शन प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। समय आ गया है कि अब कप्तान भी सिलेक्टर बने। प्लेइंग 11 में सिलेक्टर्स का कोई दखल नहीं होना चाहिए। टीम चुनने का अधिकार पूरे तरीके से कप्तान के पास होना चाहिए। इस पर पूर्व चीफ सिलेक्टर ने कहा कि टीम सिलेक्शन में हमेशा कप्तान की सलाह ली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के नियमों के तहत उसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता। हालांकि इस दौरान नंबर 4 को लेकर भी जमकर बवाल मचा, लेकिन धोनी और युवराज जैसे बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने वाले एमएसके प्रसाद को गौतम गंभीर ने आड़े हाथों लिया और उसके बाद उन्हें के वर्ल्ड कप के चयन के बवाल को भी सामने आना पड़ा, जिसके बाद गौतम गंभीर ने जमकर धज्जियां यहां पर एमएसके प्रसाद की उड़ा कर रख दी। एएनबी न्यूज रूम की रिपोर्ट।